हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, पेंशन को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों सरकार ने 1 जनवरी 2004 या उससे पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने का ऐलान किया है। दोस्तों पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार सरकार ने उन केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने का ऐलान किया है जो 1 जनवरी 2004 या फिर उससे पहले सरकारी सेवाओं में आ गए थे, भले ही उनकी नियुक्ति इस तारीख के बाद हुई हो। ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति 2004 से पहले नौकरी लगे हैं सरकारी कर्मचारी के रूप में, उनको अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली खबर का। FATF की बैठक में पाकिस्तान को लगा फिर झटका, ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के मंसूबे पर फिर फिरा पानी। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में आतंकवादियों को आर्थिक मदद रोकने के लिए काम करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान का एक बार फिर से सपना टूट गया ग्रे लिस्ट से बाहर आने का। दोस्तों सूत्रों की माने तो ग्रे लिस्ट में रखे जाने को लेकर तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। पेरिस में चल रही FATF की बैठक में पाकिस्तान से धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण के दोषियों को कठघर में लाने के लिए कानूनों को और कसने की मांग की है। दोस्तों आतंकवादियों को आर्थिक मदद रोकने की दिशा में काम करने वाली संस्था FATF की बैठक पेरिस में 16 फरवरी से शुरू हुई और 21 फरवरी तक चलेगी। यहां पर दोस्तों पाकिस्तान को 29 में से 12 मतों की जरूरत थी, जबकि काली सूची में जाने से बचने के लिए उसे 3 देशों का समर्थन चाहिए था जो कि उसे मिल गया, लेकिन उसे ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए 39 में से 12 मतों की जरूरत थी जो उसे नहीं मिल पाए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाली यात्रियों को फ्री वाईफाई की सर्विस हो सकती है प्रभावित, गूगल ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अगर दोस्तों आप भी उन लोगों में से हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर जाकर फ्री इंटरनेट का मजा लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बुरी है, क्योंकि दोस्तों तमाम स्टेशनों पर दी जा रही फ्री वाईफाई सेवा से गूगल ने कदम पीछे कर लिए हैं। दोस्तों गूगल ने कहा है कि अब भारतीय रेल में गूगल अपनी सेवाएं नहीं देगा। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल अब रेलवे स्टेशनों में मुफ्त इंटरनेट सेवा से हटने का फैसला कर चुका है। कंपनी ने कहा है कि देश में मौजूद सस्ते डाटा की वजह से कंपनी फ्री वाईफाई सेवा से कमाई नहीं कर पा रही है। पहले किसी यूजर द्वारा लॉगिन करते वक्त विज्ञापन दिखाकर गूगल अपनी लागत वसूल कर लेता था, लेकिन अब मोबाइल सेवा कंपनियां बेहद सस्ता डाटा प्लान उपलब्ध करा रही है। इसकी वजह से ज्यादातर यात्री अब स्टेशन में मिलने वाले मुफ्त वाईफाई सेवा का कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल के अनुसार कम यूजर रह जाने की वजह से गूगल ने अब इस सेवा से बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, डर और लालच दिखाकर धर्मांतरण करना महापाप से कम नहीं। जी हां दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि हमारी धारणा है कि जो जिस धर्म का पालन कर रहा है उसको उस धर्म के पालन की पूरी आजादी होनी चाहिए, लेकिन प्रलोभन का भय दिखाकर किसी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करना महापाप से कम नहीं है। दोस्तों लखनऊ में एकल अभियान परिवर्तन महाकुंभ 2020 के समापन अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने यह बात कही। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि देश के कुछ इलाकों में धर्मांतरण की भी ऐसी समस्या है जिसके खिलाफ सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, और जबरदस्ती से या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना महापाप से कम नहीं है। इसको कानून और सख्ती के जरिए रोकना आसान नहीं है, इसके लिए एकल अभियान जैसे जन जागरण अभियान की भी आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में पंचायत उपचुनाव स्थगित, 2 से 3 हफ्ते बाद होगा नई तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 5 मार्च से निर्धारित पंचायतों के उपचुनाव को सुरक्षा मुद्दों के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्ते यानी कि 14 से 21 दिनों में चुनाव के लिए फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
जाएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर में 12,500 से अधिक पंचायत सीटों के लिए 5 मार्च से 8 चरणों में उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन उनको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। खुशखबरी, तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए नहीं होगी कोई टेंशन, रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, अब लास्ट मिनट में आपको तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए कोई चिंता नहीं करनी होगी। अब तत्काल टिकट बुकिंग की चिंता दूर हो रही है। पैसेंजर फ्रेंडली कदम उठाते हुए रेलवे ने उन सभी गैर कानूनी सॉफ्टवेयर और 60 एजेंट्स पर कड़ी कार्यवाही की है जो पहले से ही तत्काल टिकट्स को ब्लॉक कर लेते थे। दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के डायरेक्टर जनरल वरुण कुमार ने कहा है कि एक विशेष ऑपरेशन के तहत उन सभी पर कार्यवाही की गई है जो तत्काल ट्रेन टिकटों को ब्लॉक कर लेते थे। इसके बाद अब तत्काल टिकटों की संख्या में इजाफा होगा और टिकट बुक करने के लिए भी पर्याप्त समय मिल सकेगा। अभी तक केवल चंद मिनटों में ही तत्काल टिकट खत्म हो जाता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर अपडेट टुडे। इन राज्यों में कल से हो सकती है बारिश, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ठंड लौटने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। और साथ ही दोस्तों इसी तरह की काम की खबरें हर रोज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो दोस्तों अब जान लेते हैं जल्दी से आज के मौसम समाचार। दोस्तों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में गर्मी ने दस्तक दे दी है, यानी कि गर्मी अब शुरू हो चुकी है, बाहर आपको गर्मी लगने लगेगी। हालांकि दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश संभव है। पहाड़ों पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक ताजा हिमपात दिखेगा, तो मैदानों में पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक बारिश के साथ साथ ओले भी गिरेंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, आज इतने रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, जानिए आज की ताजा कीमतें। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज गिरावट देखी गई है। दोस्तों आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में 0.5 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। वहीं दोस्तों मंगलवार को दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत में 0.5 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं मुंबई में 0.4 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। दोस्तों बात करें आज राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत की, तो दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.79 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि दोस्तों डीजल की बात की जाए तो 1 लीटर डीजल की कीमत 64.65 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। आज सोना और चांदी की कीमतों में हुआ बदलाव, जानिए आज के गोल्ड सिल्वर प्राइस। जी हां दोस्तों, वैश्विक बाजार में तेजी के बाद आज घरेलू सरफा बाजार में सोना महंगा हुआ है। आज सोने की कीमतों में यह तेजी वैश्विक बाजार और डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी के चलते आई है। दोस्तों दिल्ली सरफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव आज 239 रुपए बढ़कर 41,865 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जो एक दिन पहले 41,626 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो आज चांदी के भाव में 296 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है और अब चांदी 47,584 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जब तक हिंदू संगठित एवं सतर्क है उसे कोई खतरा नहीं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के संचालक मोहन भागवत ने एक समूह को संबोधित करते हुए कहा कि खुलापन हिंदुओं की विशेषता है और इसे बचाए रखना चाहिए। दोस्तों RSS प्रमुख के साथ बैठक में मौजूद कुछ स्तंभकारों ने इस संवाद को सार्थक बताया, जिसमें विविध विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। दोस्तों एक स्तंभकार के अनुसार भागवत ने कहा कि खुलापन हिंदुओं की विशेषता है और इसे बचाए रखा जाना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदुओं को जागृत एवं सतर्क रहने पर जोर देते हुए कहा कि जब तक हिंदू संगठित एवं सतर्क है उसे कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय कैलेंडर को किस नाम से
जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय यानी कि हिंदी कैलेंडर का नाम तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।